बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और वजह है वही पुरानी दोस्ती। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, एक वक्त था जब सुकेश और जैकलीन दोस्त थे। हालांकि अब इस दोस्ती की बड़ी कीमत जैकलीन को चुकानी पड़ रही है। मामला कोर्टरूम तक बहुत पहले ही पहुंच चुका था। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मामला कोर्ट में है, और अब एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन कोर्टरूम के कटघरे में। एक तरफ बॉलीवुड की हीरोइन थी, तो वहीं सामने था वो विलन जिसने कई हीरोइंस की जिंदगी में तूफान ला दिया है, फिर चाहे वो जैकलीन फर्नांडिस हो या फिर नोरा फतेही ही क्यों ना हो। महाठग सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का आमना सामना कई दिनों के बाद अदालत में हुआ, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अनजान दिखे। मौका था कोर्ट में पेशी का। 20 दिसंबर दिन मंगलवार पटियाला हाउस कोर्ट रूम 39 में मुलजिमों के कटघरे के ठीक करीब एक तरफ जैकलीन फर्नांडिस खड़ी थी, जबकि जैकलीन के ठीक पीछे सुकेश चंद्रशेखर। दोनों के बीच कोई भी तीसरा नहीं था। फासला महज एक फिट से भी कम था। अगले 45 मिनट तक दोनों यूं ही अदालत में एक दूसरे के सामने इतने करीब करीब खड़े रहे। इस दौरान कई बार दोनों की नजरें भी मिली, लेकिन जुबान खामोश थी। जैकलीन और सुकेश एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से यूं मिल रहे थे, लेकिन दोनों को पता था कि पूरी अदालत की नजरें उन पर हैं, और इस बात का दोनों ने ख्याल भी रखा। इस दौरान कोर्ट में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन दोनों की कोर्ट में मौजूदगी की वजह इस बार दूसरी थी। केस की रेगुलर पेशी थी एक तरफ सुकेश की, वहीं जैकलीन फर्नांडिस को शूटिंग के सिलसिले में विदेश जाना है। वो विदेश जाने के लिए इजाजत लेने के लिए अदालत आई थी। वजह ये कि वो ठगी के मामले में सुकेश के साथ सह आरोपी हैं। अब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन वहां जैकलीन या सुकेश को नहीं बोलना था, बल्कि उनके वकीलों को बोलना था। तो ये वो मौका था, ये वो वक्त था जब जैकलीन और सुकेश आमने सामने थे।